नमस्कार दोस्तों, और आज हम फिर से मिल रहे हैं मेरी एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ के समझ ही लिया होगा कि टॉपिक का जो है आज हमारा, वो है कि क्या करवा चौथ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो व्रत करती हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां ना कर बैठें जिससे कि उन्हें एक भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो आज का ये मेरा वीडियो इसी बात पर आधारित है, और मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी प्रेग्नेंट थी और मुझे फोर्थ मंथ चल रहा था जब करवा चौथ आई थी लास्ट ईयर, और मैंने भी व्रत रखा था और पूरे मन श्रद्धा से रखा था, लेकिन इसको करने का जो मेरा तरीका था वो मैंने बदल लिया था, क्योंकि मुझे दोनों ही चीजें देखनी थी, पति भी देखना था और अपने बेबी को भी देखना है। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर निर्जला व्रत रखती तो मेरे बेबी को भी कोई हार्म हो सकता था, और अगर मैं व्रत नहीं रखती तो मेरे मन में ये आता रहता कि मैंने अपने पति के लिए आज ये व्रत नहीं किया है। तो जानते हैं कि किस तरह से गर्भवती महिलाएं एक स्वस्थ बच्चे को केयर करते हुए और अपने पति के लिए भी लंबी उम्र की कामना को रखते हुए इस व्रत को किस तरह से कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले अपने आप में एक विश्वास जगाइए कि हाँ, मैं ये व्रत कर सकती हूँ। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आयरन की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो एक सीवियर प्रॉब्लम है जिसमें डॉक्टर आपको सीरियसली ऐसे खाली पेट रहने के लिए बिल्कुल मना किया है, तो इस व्रत को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसको रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपने ये व्रत छोड़ दिया है तो आप दोबारा से नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस साल मजबूरी में ये व्रत नहीं रख पा रही है तो अगले साल ये व्रत उसी हर्षोल्लास से रख सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और फर्स्ट थिंग कि आपका ट्राइमेस्टर नहीं चल रहा है, ट्राइमेस्टर से मतलब है कि आपका पहला तिमाही नहीं चल रहा है, यानी पहला दूसरा तीसरा महीना आपका नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में आप व्रत रख सकती हैं। और उस व्रत को रखने के लिए आपको करना होगा कुछ इस तरह से कि जिससे आपको कोई भारी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली बात है कि मॉर्निंग में आप उठ जाइए, जिसे सरगी हम लोग बोलते हैं, उस सरगी को आप खाइए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा कुछ खाने का, तो एक बड़ा ग्लास भरकर जूस जरूर पिए, क्योंकि ये जूस आपको पूरे दिन एनर्जी देगा, आपके बेबी को एनर्जी देगा और आप में कोई भी इस तरह की वीकनेस आने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद आप आराम से सो जाइए, पानी पीजिए और सो जाइए। जब आप वापस उठते हैं उसके बाद अपनी डेली दिनचर्या शुरू कर दीजिए, नहाइए धोइए, अपना जो भी काम करना है वो कीजिए। लेकिन आप बहुत ज्यादा हैवी वर्क इस टाइम पे मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको प्रेगनेंसी है, आपको रेस्ट की वैसी जरूरत है, दूसरा आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ ये व्रत भी आप कर रही हैं, तो उस स्थिति में आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। हो सके तो किसी को अपनी हेल्प के लिए लगा लीजिए, अगर सास है, ननंद है या मदर के इधर से कोई आ सकता है तो उनको अपनी मदद के लिए लगा लीजिए, और नहीं तो हस्बैंड की छुट्टी करा के उनसे थोड़ी हेल्प उस दिन ले सकते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि आपको मॉर्निंग में जूस ले लेना है। दूसरी चीज, आपको रेस्ट करना है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। एक्साइटमेंट में बहुत बार क्या होता है कि आपका पहला करवा चौथ होता है और उस पहले करवा चौथ के एक्साइटमेंट में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और आपको उसके साथ प्रेगनेंसी भी है, पहला करवा चौथ प्लस प्रेगनेंसी, और उसमें आप बहुत एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, मेकअप कराने जाएंगे, साड़ियां खरीदेंगे, बहुत सारे आप काम करेंगे। तो रेस्ट करें और जो भी चीजें हैं अपनी वो कई दिन पहले से ही अरेंज कर लें। तो दूसरी चीज, हमें ये चीज और ध्यान रखनी है कि आराम करने के साथ साथ हमें अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। तो दोपहर में पूजा करने के बाद, क्योंकि एक दो बजे के बाद सभी लोग पूजा करते हैं, तो एक दो बजे के बाद पूजा करने के बाद एक बड़ा कटोरा फ्रूट्स,
जिसमें कि सारे ही फ्रूट्स हों, जो मौसमी फल हैं वो सब आप ले सकते हैं। ऐसा कोई फल नहीं है कि जो इसमें ये लिखा है कि इस व्रत में आप नहीं ले सकते हैं। आप सेब ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, आप अंगूर ले सकते हैं, आप इसमें केला ले सकते हैं, आप इसमें अनार के दाने ले सकते हैं, और इसी टाइम पे आप एक कटोरा भरकर फ्रूट्स खाएंगे और आराम करेंगे। फ्रूट्स खाने के बाद आप आराम करेंगे, और उसके बाद आपको अगर लगता है कि, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है, तो आप उसके बाद 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, और शाम की तैयारी के लिए धीरे धीरे आप तैयारी करें। खाना बनवाना है, बनाना है, अपनी तैयारी करनी है, आपको मेकअप करना है, जो भी कुछ करना है, लेकिन धीरे धीरे करें, और धीरे धीरे करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको वीकनेस भी महसूस नहीं हो रही है। दोपहर में आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है, भूखा नहीं रहा जा रहा है, तो आप कोशिश करें आप थोड़ा सा सो जाएं, 1-2 घंटे के लिए सो जाएंगे, वो आपका टाइम कट जाएगा। अगर आपकी कोई हॉबी में शामिल है कि आप बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, टीवी आप देख सकते हैं, कोई मूवी है कुछ भी, हस्बैंड अगर साथ में है तो आप मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी ऐसी एंजॉयमेंट वाली चीजें करते रहें जिससे कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो शाम को पूजा करके फिर आराम से आप हल्का खाना खाएं, एकदम से ना खाएं, थोड़ा खाएं, हल्का खाना खाएं, बहुत ज्यादा ऑयली ना खाएं, क्योंकि एकदम से खाना खाने पर क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम होती है, आपको एसिड बन जाता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि करवा चौथ के व्रत के बाद डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे केस होते हैं जो डॉक्टर्स के पास यही सोच कर जाते हैं कि हमको डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सारे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब भी आप व्रत खोलें रात में, हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं और आराम करें। तो इस तरह से गर्भवती महिलाएं इजीली अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं, और कोई नुकसान अपने बच्चे को दिए बिना अपने इस व्रत को अपने पति के साथ एंजॉय कर सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।